हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सीसीएल का फॉर्म यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं शुरू से अंत तक आपको इस वीडियो में पूरा इस फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और चैनल पे यदि नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि फ्रेंड्स, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी, ये 4 सितंबर की डेट में आया हुआ ये वैकेंसी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और टोटल जो पोस्ट है 1565 पोस्ट है, और इस फॉर्म को अप्लाई ऑल इंडिया रेलवे पे हो रहा है। और इसमें कुछ झारखंड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट या झारखंड से आईटीआई करने वाले स्टूडेंट को कुछ प्राथमिकता दी जाएगी, कुछ परसेंट छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप को ये बता देना चाहते हैं फिर से एक बार कि ऑल इंडिया पे ये अप्रेंटिस फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.org पे जाना है। तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पे अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का बॉक्स मिलेगा, जिसमें आपको जाना है सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम। तो यहाँ आप सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे सीसीएल। टाइप करने के बाद आपको जो है सीसीएल से रिलेटेड जो भी एरिया है उससे रिलेटेड आ जाएगा आपको अपडेट इसमें। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इसमें सीसीएल टाइप करने पे आपको सीसीएल कुजू, सीसीएल राजहारा एरिया और एरिया सीसीएल अरगड्डा एरिया, बरका सियाल एरिया डोहरी, इस टाइप से आपका जो विभिन्न क्षेत्रों में सीसीएल का जो वैकेंसी निकाला गया है वो सारे आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप सिंपली जिस एरिया में अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद, जैसे कि मैं बरका सियाल एरिया में क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी ट्रेड है उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे जिनका ये अप्लाई कर रहे हैं उनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, तो इस पे व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे उस फॉर्म से डिटेल दिखाई देगा, जैसे कि अपॉर्चुनिटी नेम है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, और यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट जो है 90 पोस्ट है। स्टिपेंड तो फ्रेंड 7000 नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर दिया गया। वर्किंग डेट जो रहेगा वो 6 डे का वर्किंग डेट रहेगा। और इसमें आप देख पा रहे हैं फुल डिटेल इसमें दिया गया है, और ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा। आप देख रहे हैं रामगढ़ झारखंड का ये इलेक्ट्रीशियन है, बरका काना पड़ता है। तो आगे नेक्स्ट में आप अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का कुछ पॉपअप शो होगा, प्लीज लॉगिन फॉर अप्लाइंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा, और लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन करते समय बनाए थे वो डालकर आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई अपॉर्चुनिटी पे फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एनी लोकेशन, तो लेके लोकेशन में जो है प्राइमरी लोकेशन या एनी लोकेशन क्लिक कर सकते हैं। तो पहले हम प्राइमरी लोकेशन पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ आपको इस टाइप का विंडो शो होगा यानी सक्सेसफुल अप्लाई का। तो फ्रेंड्स, आपका जो अप्रेंटिसशिप फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है, और इससे रिलेटेड जो फॉर्म आपने अभी अप्लाई किया है, आप इसे देखने के लिए आप सिंपली डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे जाने के लिए आप अपना नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का शो होगा, और यहाँ पे आपको जो है कौन कौन से एरिया में फॉर्म अप्लाई किए हैं यहाँ पे शो होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का है, बरका सियाल एरिया सीसीएल, और यहाँ पे अभी पेंडिंग है, मतलब अप्लाई हो चुका है, अप्रूवल मिलने का देर है। तो फ्रेंड्स,
फिर व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद जो आपने अप्लाई किए हैं उसका यहाँ पे आप डिटेल देख पाएंगे। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो को देखकर। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।